ओके आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेटा, ये हमारे पास इंग्लिश की फर्स्ट पोएम है। इंग्लिश की इस फर्स्ट पोएम का नाम जो है, दिस इज अ फोटोग्राफ, एंड इस पोएम को शर्ली डॉल्सन ने लिखा। बेसिकली यू सी, यहाँ पर पोएट के पास एक फोटोग्राफ होती है, एंड पोएट जो है वो उस फोटोग्राफ को देखकर ओल्ड मेमोरीज को रेमिनिस करने की कोशिश कर रही होती है। इस बारे में पूरी की पूरी पोएम है हमारे पास। मैं एक बार पूरी पोएम को रीड करूंगा, देन वी स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन पैरा पैरा। The cardboard shows me how it was when two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. Some 20, 30 years later, she'd laugh at the snapshot, see Betty and Dolly, she'd say, and look how they dressed us for the bench. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both wry with the labored ease of loss. Now she's been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance, there's nothing to say at all, it's silence, silences. Now, इस पोइम को समझना शुरू करते हैं बेटा, लाइन बाय लाइन देखो। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। बेसिकली ये पोएम पुराने टाइम पे लिखी गई है, इसलिए फोटोज वगैरह को बेटा प्रिजर्व करने के लिए क्या करते थे हम लोग, कार्डबोर्ड के ऊपर उसको लगाते थे कि वो फोटो खराब ना हो जाए। जनरली जो आपका फोटो का मटेरियल होता है, जब फोटो को आप डेवलप करा के लाते हो, तो वो बहुत ही हैंडी सा होता है, बहुत जल्दी खराब हो सकता है। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए, कि वो फ्यूचर के अंदर खराब ना हो, यहाँ पे क्या कर रखा है, उस फोटोग्राफ को कार्डबोर्ड के ऊपर लगा रखा है। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज When two girl cousins went paddling, कार्डबोर्ड जो है वो मेरे को दिखा रहा है कि ये चीज कैसे हुआ करती थी। When the two girl cousins went paddling, जब दो गर्ल कजिन जो है वो पैडलिंग कर रहे हैं। पैडलिंग का मतलब क्या होता है? पैडलिंग का मतलब वॉकिंग है। आप जब बीच के ऊपर चलते हो, जब बीच के ऊपर वॉक करते हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग पैडलिंग कहते हैं। When the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she the big girl some 12 years or so. सो फोटोग्राफ के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है? सबसे पहली बात तो है, फोटोग्राफ जो है वो कार्डबोर्ड के ऊपर चिपकाई गई है, और जब उस फोटोग्राफ को हम देखते हैं तो क्या नजर आ रहा है? पोएट कह रही है कि उस फोटोग्राफ के अंदर एक मेरी मदर है, मेरी मदर के साथ में क्या है, दो गर्ल कजिन्स, एंड दो गर्ल कजिन्स ने क्या कर रखा है, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, दोनों ने मेरी मदर का एक एक हाथ पकड़ा हुआ है, एंड शी द बिग गर्ल सम 12 इयर्स और सो। और जिस टाइम पर ये फोटोग्राफ खींची गई है, उस टाइम मेरी मदर की एज कितनी है, उस टाइम मेरी मदर की एज 12 इयर्स। सो इन दीज लाइंस द पोएट इज लुकिंग एट एन ओल्ड फोटो एल्बम व्हिच इज मेड अप ऑफ कार्डबोर्ड। इन द पिक्चर देयर आर थ्री गर्ल्स। द पिक्चर के अंदर हमारे पास तीन गर्ल्स है, एक तो हमारे पास पोएट की मदर है, और साथ में पोएट की मदर की दो कजन है जो उनका हाथ पकड़ के खड़ी हुई है। इन द पिक्चर देयर आर थ्री गर्ल्स हु आर वॉकिंग ऑन द बीच होल्डिंग ईच अदर्स हैंड्स। The girl in the middle is the tallest and the oldest. The other two girls on each side are younger than them. The girl in the middle is the poet's mother. She is around 12 years old when the picture was taken. उस टाइम पे गर्ल की मदर की एज कितनी होती है? 12 years की होती है जब इस पिक्चर को खींचा गया होता है। So first आंसर में सिर्फ कितना हमारे को बता रखा है कि कार्डबोर्ड है जिसको लगाया गया है उस पिक्चर को प्रिजर्व करने के लिए। कार्डबोर्ड के अंदर हमारे को, उस पिक्चर में हमारे को तीन लोग देखने को मिलते हैं। मिडिल के अंदर पोएट की मदर है जो सबसे बड़ी है, शी इज द ओल्डेस्ट, शी इज 12 ईयर्स और सो, एंड बाकी जो उनकी दो गर्ल कजन है वो उनसे छोटी है, जो उनके आसपास खड़ी हुई है उन दोनों का हाथ पकड़ के। ओके, ऑल थ्री स्टूड स्टिल स्माइल थ्रू द हेयर At the uncle with the camera, a sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appeared to have changed less, washed their terribly transient fever. Transient का मतलब क्या होता है? Transient का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो short term होती है, कोई ऐसी चीज जो बहुत temporary होती है। तो देखो आगे poem क्या कह रही है, आगे poem कह रही है, all three stood still through smiles to their head. टू स्माइल टू द हेयर का मतलब क्या है कि पिक्चर के अंदर क्या नजर आ रहा है कि वो जो तीनों गर्ल कजन है उनके हेयर जो है वो उनके मुंह के आगे है, उनके हेयर जो है दे आर अपॉन देयर फेस एट द अंकल विद द कैमरा, एंड तीनों के तीनों स्माइल कर रहे हैं। तीनों के तीनों स्माइल किसकी तरफ कर रहे हैं? अपने अंकल की तरफ स्माइल कर रहे हैं जो उनकी पिक्चर खींच रहे हैं। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। एंड उस पिक्चर को देख के मुझे एक बात नजर आ रही है कि मेरी मदर कितना स्वीट सा फेस है, ये पिक्चर कब खींची गई है, मेरे पैदा होने से भी पहले ही खींची हुई। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंजलेस, एंड अगर हम उसी बीच पर अब जाएं तो सी इतना चेंज नहीं हुआ, वो बीच इतनी चेंज नहीं हुई, वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट।
बेटा टेरेबली ट्रांजिएंट फीट का मतलब समझना जरूरी है। इसके दो मतलब निकल, जो मतलब क्या क्या होते हैं, जब आप बीच के ऊपर वॉक करते हो ना, जब बीच के ऊपर पैडलिंग करते हो, तो आपके जो फुट के प्रिंट्स होते हैं वो बीच के ऊपर आ जाते हैं, एंड जब पानी आता है आगे से तो क्या करता है, उन फुटप्रिंट दोबारा मिटा देते हैं, आप दोबारा उसके ऊपर पैर रखो दोबारा मिटा देते हैं। तो एक मतलब तो ये है कि जो आप वहां पर फीट रख रहे हो दैट इज ट्रांजिएंट, दैट इज शॉर्ट टर्म, दैट इज टेम्पररी, बिकॉज सी आएगा और वो उसको ले जाएगा। सी चेंज नहीं हो रहा, चेंज क्या हो रहा है, उनके फुटप्रिंट्स चेंज हो रहे हैं। एक मतलब तो इस चीज का ये है। सेकेंड मीनिंग इस सेम लाइन का मतलब है कि नेचर के एलिमेंट्स चेंज नहीं होते, नेचर के एलिमेंट्स ईयर आफ्टर ईयर सेम ही रहे। जो बीच उनके मदर के टाइम पे थी, जो सी उनके मदर के टाइम पे था, वो आज पोएट के टाइम पर भी है, लेकिन उनकी एज ऑब्वियसली ग्रो हो गई है। जो उनकी दो गर्ल कजन है वो उस टाइम पर पिक्चर खींची गई, वो बहुत ही यंग थी, आज वो क्या हो चुकी है, दे हैव ग्रोन ओल्ड। सो इन द अबव लाइंस द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ द फोटोग्राफ वाज टेकन। हर मदर्स अंकल टुक द फोटोग्राफ एंड टोल्ड देम टू स्टॉप एंड पोज। ऑल थ्री ऑफ देम लेफ्ट देयर वेट हेयर ओपन एंड स्माइल एट द कैमरा। द पोएट्स अटेंशन इज ड्रॉन टुवर्ड्स हिज मदर्स फेस। यस पार्थ, Sorry, sir, but could you just again repeat the meaning of paddling? Meaning of paddling, yes, sir. पैडलिंग मीन्स वॉकिंग अपॉन द बीच, जब बीच के ऊपर हम लोग चलते हैं ना उसको पैडलिंग कहते हैं। Okay, sir. ओके, सो एज यू आर डिस्कसिंग हेयर, कि वो तीनों के तीनों जो होते हैं वो फोटोग्राफ के अंदर खड़े हुए हैं, उनके वेट हेयर होते हैं, उनके हेयर जो है वो उनके फेस के ऊपर आ रहे होते हैं। ऑल थ्री ऑफ देम आर स्माइलिंग, दे आर स्माइलिंग टुवर्ड्स देयर अंकल जो उस फोटोग्राफ को खींच रहे हैं। मेन चीज इसमें समझने वाली बात ये है कि नेचर के एलिमेंट्स चेंज नहीं होते, लेकिन ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो ट्रांजिएंट होते हैं। ट्रांजिएंट का मतलब क्या है, दे हैव कम अपॉन देयर अर्थ फॉर अ शॉर्ट टाइम, वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आए हैं, वो टेम्परेरी है, वो पहले यंग होंगे बाद में ओल्ड होंगे एंड देन फाइनली डाई। तो नेचर के एलिमेंट्स चेंज नहीं होते, लेकिन ह्यूमन एलिमेंट्स जो है वो टेरिबली ट्रांजिएंट है। इसको हम एक और चीज से रेफर कर सकते हैं कि नेचर के एलिमेंट्स जो होते हैं ये पेरिनियल होते हैं। पेरिनियल का मतलब क्या है, ये एवरी ईयर साल भर साल सेम रहते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, ये ट्रांजिएंट होते हैं, ये सीजनल होते हैं, कुछ टाइम के लिए अर्थ पर आते हैं देन दे लीव द। ओके, सो ऑल थ्री ऑफ देम लेफ्ट देयर वेट हेयर ओपन एंड स्माइल एट द कैमरा। द पोएट्स अटेंशन इज ड्रॉन टुवर्ड्स हिज मदर्स फेस व्हिच इज डिस्क्राइब्ड एज अ स्वीट फेस। द फोटोग्राफ वाज टेकन लॉन्ग बिफोर द पोएट वाज बोर्न। द पोएट कॉल्स देयर फीट टेरिबली ट्रांजिएंट एज दे वर यंग बाय देन एंड नाउ दे हैव ग्रोन ओल्डर। ऑन द अदर हैंड द सी व्हिच टच देयर फीट हैज चेंज्ड। यस, ये बात हमने डिस्कस करी थी कि जो सी उनके फुटप्रिंट्स को टच करता है, जो सी उनके फुटप्रिंट्स को गायब कर देता है, वो तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो तीन गर्ल्स उन पिक्चर के अंदर थी देयर लाइव्स हैव ड्रास्टिकली चेंज्ड। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, जो ऑनलाइन है बेटा नो सर, वहां तक। यस सर, ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर। सम 20-30 इयर्स लेटर शी लाफ एट द स्नैपशॉट सी बेटी एंड डॉली शीट से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच द सी हॉलिडे। तो कुछ 20-30 इयर्स बाद वो सारे के सारे उस स्नैपशॉट को देखे, स्नैपशॉट का मतलब क्या है, पिक्चर, सारे के सारे उस स्नैपशॉट को देखकर, उस फोटोग्राफ को देखकर दे ऑल लाफ सी बेटी एंड डॉली शीट से। यहाँ पर शी कौन है, यहाँ पे शी जो है वो पोएट की मदर, यहाँ पे शी कौन है बेटा, यहाँ पे शी वर्ड यूज किया गया है पोएट की मदर के लिए। सो शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट एंड शीट से सी बेटी एंड डॉली। अब यहाँ बेटी और डॉली कौन है बेटा, जो दो गर्ल कजन उनके साथ उस पिक्चर के अंदर थे। सी बेटी एंड डॉली शीट से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच द सी हॉलीडे। देखो हमारे पेरेंट्स ने हमारे कैसे ड्रेस कर रखा है इस पर्टिकुलर हॉलीडे के लिए। After 20-30 years, she would laugh at the photograph. She would tell me to look at her cousins, Betty and Dolly, and how their parents would dress all three of them for the beach. They would have planned to take a photograph beforehand. So, अभी तक हम लोगों ने पोइम के अंदर क्या चीज देखी है, हमने देखी है कि हमारे पास एक फोटोग्राफ है एंड उस फोटोग्राफ को पोएट देखकर कुछ ओल्ड मेमोरीज को रेमिनिस कर। इट इज अ फोटो एल्बम, इट इज अ फोटोग्राफ जिसे कार्डबोर्ड के ऊपर रखा गया है ताकि उसको आप लोग सेव कर सके फॉर द फ्यूचर। एंड वी हैव सीन कि उस फोटोग्राफ के अंदर थ्री गर्ल्स हैं। मिडिल वाली जो ओल्डेस्ट गर्ल है वो कौन है, पोएट की मदर है, उनके आसपास क्या है, उनके दो गर्ल कजिन्स हैं। नाउ वी आर क्लियर कि उन गर्ल कजिन्स का नाम क्या है, उन गर्ल कजिन्स का नाम बेटी एंड डॉली। एंड वी हैव सीन
कि सम 20-30 years लेटर उस फोटोग्राफ को देखकर, उस स्नैपशॉट को देखकर उसकी मदर हंसा करती थी, एंड शी से सी बेटी एंड डॉली, बेटी एंड डॉली को देखो कैसे इन सब ने हमारे को ड्रेस कर रखा है फॉर द फोटोग्राफ, फॉर द सीन। ओके लेट्स कंटिन्यू। द सी हॉलिडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर, बोथ राय विद द लेबर ईज ऑफ लॉस। सबसे इंपॉर्टेंट अब कुछ इस पोयम में रह गया है बेटा, तो वो एंड का है। अभी तक जो हमने पोयम पढ़ी है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट आई है जहां पे ह्यूमन लाइफ को और नेचर को उन्होंने कंपेयर किया। जहां पे नेचर को परमानेंट डिस्क्राइब किया गया है वहां पे ह्यूमन लाइफ के लिए वर्ड यूज करा है टेरेबली ट्रांजिएंट, मतलब हमारे पास जो लाइफ है वो शॉर्ट टर्म होती है। एक हमने उस पार्ट को डिस्कस करा और एक हमारे को इस पार्ट को डिस्कस करना है। बोथ दीज पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ दिस पोयम। ध्यान से देखना। द सी हॉलिडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर, बोथ राय विद द लेबर इज ऑफ लॉस। जिस सी हॉलिडे पर पोएट की मदर और उनके कजिन गए थे ये उनका पास्ट है। यहाँ पे हर कौन है, यहाँ हर जो है पोएट की मदर। द सी हॉलिडे वॉज हर पास्ट, सी हॉलिडे किसका पास्ट है, पोएट की मदर का पास्ट है। माइन इज हर लाफ्टर, माइन इज हर लाफ्टर इस बात को सिग्निफाई कर रहा है दैट द पोएट्स मदर इज नो मोर। पोएट की मदर जो है वो अलाइव नहीं है, दैट इज व्हाई शी इज लुकिंग एट द फोटोग्राफ एंड रिमिनिसिंग अबाउट द ओल्ड मेमोरीज। द सी हॉलिडे वॉज हर पास्ट, सी हॉलिडे उनका पास्ट है, माइन इज हर लाफ्टर। पोएट का पास्ट क्या है, पोएट का पास्ट है अपनी मदर को हंसते हुए इमेजिन करना। बोथ राय विद द लेबर इज ऑफ लॉस, बोथ राय का मतलब क्या होता है बेटा, राय का मतलब वो होता है मॉकिंग। दोनों के दोनों एक चीज को फील कर रहे हैं, व्हाट आर दे फीलिंग, दे आर फीलिंग द लेबर इज ऑफ लॉस। नाउ ये लेबर इज ऑफ लॉस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग पोएम खत्म करने के बाद पोएट डिवाइस को देखेंगे तो आपको उसको और एक्सप्लेन करूंगा। लेबर का मतलब क्या होता है बेटा, लेबर का मतलब होता है समथिंग विच इज डिफिकल्ट। लेबर का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो डिफिकल्ट होती है। सो बोथ राय विद द लेबर इज ऑफ लॉस, यहाँ पे लेबर का मतलब क्या है कि एक ऐसा लॉस है जिसको जिससे कोप करना बहुत ही मुश्किल है। एक ऐसा लॉस जिससे कोप करने के लिए आपको बहुत वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगले ही वर्ड में क्या यूज करा है, बोथ राय विद द लेबर इज ऑफ लॉस। लेबर मतलब जो लॉस ने फेस करा है बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उसने बहुत ही आसानी से उसको एक्सेप्ट कर लिया। द पोएट रिकॉल्स द सी हॉलिडे वॉज हर मदर्स फेवरेट मोमेंट फ्रॉम द पास्ट, वेल द पोएट्स फेवरेट मोमेंट फ्रॉम द पास्ट वॉज हर मदर्स लाफ्टर। Both the women would think about the past memories which they cannot live again. They tried their best to adjust to what they lost. इस last line का मतलब क्या है? जो loss उन दोनों ने face करा है, वो बहुत ही मुश्किल है उससे cope up करना, लेकिन उतनी ही आसानी से उन्होंने इस चीज को accept कर लिया। Labor का मतलब होता है मुश्किल, something which requires hard work, and ease का मतलब क्या है? आपने उतनी ही आसानी से उसको accept कर लिया। यहाँ तो कोई problem? जो बच्चे online बैठे कोई problem है यहाँ तक? नो सर, क्लियर ओके सर, आपको भी क्लियर है? यस सर, यस सर, क्लियर। ठीक है लास्ट आंसर देखते हैं बेटा। नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। नाउ यू सी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब उसकी मदर के डेथ हुए हुए उतने ही साल हो चुके हैं जितने साल वो गर्ल जी थी। नाउ इसका मतलब आपको लिटरली नहीं समझ। मैं लिटरली क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज की मदर जो है वो 30-40 years तक जी होंगी, लेकिन 30-40 years उनकी डेथ को नहीं हुए हैं। इट हैज ओनली बीन 12 years सिंस हर मदर हैज डाइड। यहाँ पर इस लाइन को ध्यान से देखना, नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। एज दैट गर्ल लिव्ड का मतलब क्या है, जो गर्ल उस पिक्चर के अंदर है, एंड उस गर्ल पिक्चर के अंदर वो कितने साल की थी उस टाइम पे, 12 years की थी। सो द पोएट इज सिग्निफाइंग विद दिस लाइन दैट द पोएट्स मदर इज डेड फॉर नियरली 12 years, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। एंड पोएट के साथ जो ये चीज हुई है, पोएट कह रही है कि मैं इसे किसी भी वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ, आई हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब माई लॉस, इसीलिए एंड में क्या कह रखा है, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। इट्स साइलेंस साइलेंसेस का मतलब क्या है, जो लॉस मैंने फेस करा है वो इतनी इंटेंसिटी का है दैट आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट, दैट इज वाई आई हैव नो वर्ड टू एक्सप्लेन इट। तो उस लॉस का साइलेंस जो है उसने मुझे भी चुप करा दिया, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। सो इन द अबव लाइंस The poet says that her mother died 12 years ago, the same age her mother was in the photograph,
Whenever the poet thinks of her mother's death, she cannot explain what effect she has of her mother's death. Death has silenced her mother, which has also left her speechless. डेथ की वजह से उसकी मदर जो है वो साइलेंस हो चुकी है एंड उसकी मदर की डेथ की वजह से शी इज ऑल्सो लेफ्ट स्पीचलेस। ये बेटा हमारे पास पूरी की पूरी पोएम है फोटोग्राफ एंड इस पूरी पोएम का सेंट्रल थीम जो हमारे को नजर आ रहा है वो दो तीन चीजें में हम सिग्निफाई कर सकते हैं। एक तो नेचर के एलिमेंट्स को ह्यूमन एलिमेंट से कंपेयर करना, एक उसकी मदर का लॉस इतना लेबर्ड है इतना हार्ड लेकिन फिर भी वो उसको इजिली टैकल अप कर रही है एंड उसकी मदर का लॉस इतनी इंटेंसिटी का है कि जब से वो साइलेंस हुए तब से शी इज ऑल साइलेंट, शी हैज नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस हर सिचुएशन। एक बार पूरी पोएम पढ़कर देखो, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछो, उसके बाद इसके पोएट डिवाइस को डिस्कस करें। जस्ट रीड द पोएम। ओके सर। ओके आओ जरा बेटा एक बार इनके पोएट डिवाइसेस को देखते हो। आप देखो इस पर्टिकुलर पोएम के अंदर हमारे पास इन टोटल थ्री पोएटिक डिवाइसेस। सबसे पहला हमारे पास क्या है, एलिट्रेशन। एलिटरेशन का मतलब क्या होता है, जब भी हमारे पास स्टार्टिंग के लेटर्स रिपीट होते हैं एक ही सेंटेंस में वर्ड्स के तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिटरेशन के। आई वॉन्ट टू गिव यू अ चांस, आप एक बार पोयम में देखो कहाँ कहाँ आपको एलिटरेशन देखने को मिल रहा है। जैसे मैं आपको एक दो एग्जाम्पल्स देता हूँ, अगर सर आप टेरिबली ट्रांजियन, कहाँ पे टेरिबली ट्रांजियन। स्टार्टिंग देखो, टेरिबल ट्रांजिएंट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एलिटरेशन। स्टार्टिंग से एक बार पोयम को देखो फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा से, फर्स्ट आंसर में कहाँ कहाँ आपको एलिट्रेशन देखने को मिल रहा स्टूड स्टिल, है। स्टूड स्टिल, यस। सबसे पहले देखो हमारे पास यहाँ पर जो है ये स्टूड स्टिल हमारे को देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एस एस रिपीट हो रहा है। ऐसे ही हमारे पास कोई भी लेटर जब रिपीट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। हमें इससे ऊपर देखो माई मदर्स हैंड्स, उसमें एम एम भी रिपीट हो रहा है, दैट इज ऑल्सो वॉट, दैट इज ऑल्सो एलिट्रेशन, राइट। इफ वी मूव ऑन यस फॉर सर। हमारे पास सेकेंड थर्ड लास्ट लाइन जो है फर्स्ट स्टैंजा की, वहां पर भी लिखा हुआ है माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, माई मदर्स अगेन एम एम रिपीट हो रहा है, दिस इज ऑल्सो एलिटरेशन। टेरिबली ट्रांसियंट टी ओ टी रिपीट हो रहा है, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे सर पास एलिटरेशन है। हाँ जी सर बिफोर एंड बॉर्न टेल मी विल दिस इट काउंट सेकंड लाइन, सर? थर्ड सर फर्स्ट स्टैंजा थर्ड लास्ट लाइन। फर्स्ट स्टैंजा थर्ड लास्ट लाइन बिफोर आई वॉज बोर्न, यू कैन से दैट, जा सकता है बेटा लेकिन ट्राई करो कि उसके पीछे मैक्सिमम एक ही वर्ड का गैप हो, दो लेटर्स जो रिपीट हो रहे हैं उनके बीच। ओके सर। और कोई वन ऑफ, वन ऑफ हमारे पास वन ऑफ, यस ओ रिपीट हो रहा है, ये भी हमारे पास एलिटरेशन है। एंड देखो जहां पे पोएम खत्म हो रही है साइलेंस साइलेंसेस एस एस रिपीट हो रहा है, 20-30 20-30 टी टी रिपीट हो रहा है, दिस आल्सो एलिटरेशन, यस सर नो। शीड से, शीट से टेल मी द पैरा लाइन, सर सेकंड पैरा थर्ड लाइन। सेकेंड पैरा थर्ड लाइन, यस एग्जैक्टली शीट से एस एस रिपीट हो रहा है। सो यू सी इस पूरी की पूरी पोएम में हमारे पास इन टोटल 7 to 8 इंस्टेंसेस हमारे पास एलिटरेशन के। तो अगर आपको पोयम में से कोई भी पोएट डिवाइस आइडेंटिफाई करने हो पाए सबसे आसान कौन सा मिल जाएगा आपको, एलिटरेशन मिल जाएगा। सेकेंड हमारे पास इसमें जो देखने को मिलता है बेटा वो हमारे को देखने को मिलता है ऑक्सीमोरॉन। सेकेंड क्या है हमारे पास, सेकेंड है ऑक्सीमोरॉन। आप देखो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, लेबड़ी लेबर्ड ईज है क्या है बेटा, ये ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है जब हमारे पास कंट्रास्टिंग वर्ड्स आते हैं। ऑक्सीमोरॉन का मतलब क्या है, जब हमारे पास कंट्रास्टिंग वर्ड्स, जैसे मैं कहता हूँ शी इज प्रिटी अगली, पहले मैंने वर्ड यूज किया प्रिटी फिर यूज किया अगली, दोनों आपस में कंट्रास्टिंग है। वैसे ही लेबर्ड इज ऐसा लॉस जो बहुत ही मुश्किल है हैंडल करना लेकिन उसको उतनी ही इजीली हैंडल कर ले, तो लेबर्ड इज हमारे पास क्या है, लेबर्ड इज हमारे पास ऑक्सीमोरॉन। इस पोयम में एक और बेटा हमारे पास पोएटिक डिवाइस है जिसको हम लोग एपिथेट कहते हैं। जिन बच्चों ने 9th में पढ़ रखा है मैंने आपको बात बताई थी कि हमारे पास एपिथेट होता है, कॉन्सोनेंस होता है, एसोनेंस होता है, लेकिन वो 9th-10th से रिलेवेंट नहीं है। अब 11th में आकर हमारे पास क्या आता है बेटा, एपिथेट आता है। एपिथेट के स्पेलिंग इज EPITHET। एपिथेट हमारे पास ऐसा पोएटिक डिवाइस होता है बेटा जो किसी भी पर्सन की क्वालिटी को रिफर,
यहाँ पर टेरिबली ट्रांजिएंट क्या शो करता है, ह्यूमंस की क्वालिटी को शो करता है। कौन सी क्वालिटी को शो करता है कि हम लोग शॉर्ट टर्म, हम लोग टेम्पररी। तो हमारे पास यहाँ पे टेरिबली ट्रांजिएंट जो वर्ड यूज किया गया है, ये क्या शो करता है बेटा हमारे को, ये हमारे को एपिथेट शो। तो इन टोटल इस पूरी पोएम के अंदर हमारे पास क्या है, इस पूरी पोएम में हमारे पास तीन है। एक हमारे पास एलिटरेशन है जहां पर हमारे पास लेटर्स रिपीट होते हैं, एक हमारे पास ऑक्सीमोरॉन है जहां कंट्रास्टिंग वर्ड्स यूज होते हैं, और एक हमारे पास एपिथेट है। एपिथेट का मतलब क्या होता है, जहां पे हम ह्यूमन सी क्वालिटी को शो। यहां तक तो की प्रॉब्लम किसी को? हाँ सर जी सर कैन आई ऐड हाँ हाँ बिल्कुल। सर देयर इज सिनेक डॉग की आल्सो वेयर सर ट्रांजिएंट फीट इट कैन सी रिप्रेजेंट्स द दैट? ह्यूमन हाँ बोलो। यस सर इट रिप्रेजेंट्स द ह्यूमन राइट यू कैन यूज दैट, आप सेंडोट को यूज कर सकते हो, लेकिन अगर पेपर के अंदर आए भव्य सो या फ्रेंड दीज थ्री होंगी, बिकॉज ये तीन सीबीएसई स्पेसिफाइड है। अगर आपको उसके अलावा कोई मिलता तो एक्स्ट्रा मेंशन कर सकते हो, लेकिन अगर आपको स्टैंजा दिया जाए जिसमें ओके सर आरटीसी क्वेश्चन आता है, तो अगर आपको आरटीसी के लिए स्टैंजा दिया जाता है तो ये तीन तो आइडेंटिफाई करने ही करने हैं, उसके अलावा भी आप कर सकते हो। दैट ऑल्सो यू कैन डू, नो प्रॉब्लम। ओके सर यस सर ओके नाउ एक बार इसकी समरी को मैं रीड कर रहा हूँ, आई एम जस्ट रीडिंग द समरी। आपको कोई प्रॉब्लम आती है समरी के अंदर तो मुझे बताना, मैं इसको रीड करता रहूंगा सिर्फ, एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट एवर इज रिटन है। लेट्स स्टार्ट। समरी वगैरह मैं ग्रुप पे आपके शेयर कर दूंगा, सिर्फ ध्यान से सुन लेना। द पोएम इज अ ट्रिब्यूट टू द पोएट्स मदर। शी इज लुकिंग एट एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर विच हैज अ फ्रेम ऑफ कार्डबोर्ड। The picture has three girls in which the middle one is the oldest and the tallest. It is her mother when she was 12 years old or so. Besides her, on both sides are her two cousins, Betty and Dolly, who are holding her hands and are much younger than her. They went for paddling on a beach holiday. Her uncle took the photograph then. The poet could not help but notice her mother's sweet face. The sea touched her terribly transient feet, which depicted she changed over the years. बट द सी हैज रिमेन्ड द सी। टेरेबल ट्रांजिएंट का मतलब क्या है कि सी तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन चेंज क्या हुआ, उसकी मदर की लाइफ चेंज हुई, मदर का फेट चेंज हुआ। After 20-30 years, her mother would laugh at the photograph. She would make the poet look at the photograph and tell her how their parents would dress them up for the beach holiday. The beach holiday was her mother's favorite past memories, while her laugh was the poet's favorite memory. Both of them lost something which they cherished a lot, and they cannot live that moment again. दोनों के दोनों जो जिस चीज को फेस करते हैं, वो दोनों के दोनों मोमेंट्स पास्ट में रह चुके हैं, वो खत्म हो चुके हैं, जिसको वो दोबारा फेस नहीं कर सकते हैं। पोएट की मदर दोबारा सी हॉलिडे को फेस नहीं कर सकती है, एंड पोएट जो है वो दोबारा मदर के लाफ्टर को फेस नहीं कर सकती। दो स्वीट मोमेंट्स वर मेमोरीज नाउ। नाउ द पोएट्स मदर हैड बीन डेड फॉर द पास्ट 12 ईयर्स, विच इज द सेम नंबर एज ऑफ हर एज व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन। मैंने यही बात आपको समझाई थी कि उस लाइन को लिटरली हमारे को ये नहीं समझना कि 20-30 ईयर्स हो गए उसकी मदर की डेथ हुए, हमारे को ये समझना है कि उस पिक्चर को खींचते टाइम पे जो उस गर्ल की एज थी, उतने ही ईयर्स हो चुके हैं पोएट की मदर को डेड हुए, दैट इज 12 ईयर्स। She cannot express the grief that she has from her mother's absence. हम यही कहा, death has silenced her mother, which has also made the poet speechless. The poet has no words to explain her loss. And इस poem को किसने लिखा है बेटा? इस poem को शर्ली टॉलसन ने लिखा है। किसी को poem में कोई problem है या photograph? नो सर Okay. So अब आप लोगों ने बेटा सिर्फ एक काम करना है, जस्ट राइट द समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम। एक बार इसकी समरी लिखो, पैराग्राफ से मुझे चेक करो।